सिस्टम फाड़ देंगे। सिस्टम फाड़ सिस्टम वो ये था एक सिस्टम बट इट वो फूफा बदमाश है जब उसका डायलॉग चला करता तब से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ तब से। इवेंट है हमारा और मैं सभी लोगों का आभारी हूँ जो जब मैं नहीं था अंदर था घर में तब कितने सारे लोग आए थे मेरे सपोर्ट में, तो अब मैं हूँ तो मैं उन लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। तो हमारे भाई हिंदी सुधर की तेरी तो यार अभिनंदन करना चाहता हूँ और उस समारोह का नाम भी अभिनंदन ही है कि मैं सभी लोगों के सामने हाथ जोड़ूं और जितना उन्होंने मेरे को दिया उसका वैसे मैं उतना वापस दे नहीं सकता बट जितना मेरी तरफ से हो पाएगा मैं उतना करूंगा और होपफुली जल्दी मिलेंगे। परसों इवेंट है हमारा गुड़गांव के अंदर दाऊद देवीलाल स्टेडियम में। हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई आप लोग आओ और सारे भाई इकट्ठे जितने लोग हमारे इकट्ठे यूनिटी इज द पावर यू नो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल की और एक नई वीडियो में। तो ये व्लॉग जो है इतनी लेट क्यों स्टार्ट हो रहा है बिकॉज एक छोटा सा काम था, सोचा वो निपटाते और एक व्लॉग अच्छा सा बना लेते हैं। साथ में भाई ने ज्वाइन कर लिया, दोनों भाई इकट्ठे जाएंगे और घूमते हुए आ जाएंगे। चले फिर। हाँ चले। कहाँ जाना का है? सिस्टम फाड़ देंगे। तो अभी का सीन क्या है ना कि एक्चुअल में क्या था कि बस गाड़ी रेडी करवा रहे हैं क्योंकि 1000 एक गाड़ी लेकर जानी है मिल्टन पे। क्यों भाई? बिल्कुल भाई, देखो यार बिल्कुल सिस्टम हैंग कर रहा है। बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से सिस्टम हैंग कर देंगे पूरा। चले भाई फिर। हाँ लेट्स गो। क्या कह, अरे यार आज निकलेंगे तभी जाके तो आगे की सीट मिलेगी। मिलना ही नहीं हो पाएगा भाई से, इतनी जनता हो चुकी है अपने भाई की। 1000 एक गाड़ी में अपनी भी गाड़ी होगी। देखा, एक गाड़ी हमारी छोटी सी है लेकिन शामिल होगी बिल्कुल ही। तो सिस्टम हैंग करेंगे गुड़गांव में। निकले फिर। हाँ निकलो, चलो चलो चलो। लो भी हमारी गाड़ी को जो थी भूख लग रही थी तो हमने कहा कोई बात नहीं, तेरा पेट पहले फुल करवाते हैं। मेरे बच्चों को भूख लग गया, कोई नहीं अभी खाना खिला देंगे तेरे को। क्यों ठीक है भाई, गाड़ी में तेल करवा लिया है और रोड पे गाड़ी उतार ली, अब सीधा गुड़गांव में जाकर रुकेंगे भाई। कहीं भी रास्ते में कोई स्टॉपेज लेना, खाना पीना मूतना सारा वहीं चलेगा। चल भाई। तो मजाक से हटके भाई क्या सीन है ना, एक्चुअली मुझे करनाल तक जाना था, एक्चुअली में एक काम था और वो जाना भी जरूरी था। एक तो ऑफिस से थोड़ी लेट छुट्टी हुई और वो काम आज ही की आज निपटाना है। तो तभी मैंने भाई को कहा कि तू ज्वाइन कर यार, मैं अकेला क्या करने जाऊंगा इतनी दूर, लगभग 30 किलोमीटर हमें जाना है और चलते हैं वहां तक। और बीच में भाईचारा भाईचारा ऑन टॉप की बातें करते चलते हैं। अपना भी तो भाई वीडियो में भी सिस्टम हैंग होना चाहिए। तो अभी का सीन क्या है कि अलविश भाई की अभी ये स्टोरी देख रहा था भाई, एक तो डेट अनाउंस हो चुकी है वो वैसी के लिए तो हमने पहले बोला था कि सिस्टम फाड़ देंगे। तो दूसरी स्टोरी अभी आई है भाई, वो क्या आई है एक बार दिखा। लो भाई स्टोरी देखो पहले। तो ये भाई की स्टोरी है। अगली भाई, स्टोरी जिन जिन भाइयों को लग रहा है कि 19 तारीख को प्रोग्राम है अपना, 19 तारीख को प्रोग्राम नहीं है, वो परमिशन के चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। मैंने आज क्लेरिफाई भी करा कि 20 तारीख को है, परसों मतलब 20 तारीख संडे। टाइमिंग कल बता देंगे भाई आपको, टाइमिंग सारी चीजें आपको कल कंफर्म हो जाएगी। परसों का प्रोग्राम है संडे का 20 तारीख चक्का जाम। अरे क्या हो गया मेरा मुंह चक्का जाम सुन लिया ना भाई ने, क्या कहा चक्का जाम। और ये तो कंफर्म है कि 1000 एक गड्ढी में अपनी गड्ढी भी होगी। अरे तूने आज वाला व्लॉग नहीं देखा क्या? देखा था मैंने, तू बता रहा था देखा नहीं होगा। उसमें एक आज वाले व्लॉग में पता क्या हुआ? तो लो भाई आगे चल रहा है ट्रक और इसी के पीछे हल्का फुल्का व्लॉग करते हुए चल लेते हैं बिकॉज मुझे आदत नहीं है ना गाड़ी में व्लॉग करने की, तभी मैं सोच रहा हूँ कि आराम से करें। अभी किसका फोन आ रहा है, क्या कर रहा है ये तू? तो सीन क्या है ना कि आज के व्लॉग में अलविश भाई ने क्या बताया तेरे को भी बताता हूँ। व्लॉग फॉलो करा कर भाई, आजकल तो पता नहीं भाई साहब, पहले व्यूज आते थे 10 लाख 15 लाख, आजकल व्यूज आ रहे हैं 70 लाख 75 लाख। किसका फोन आ रहा है? तो क्या हुआ, अलविश भाई ने क्या बताया कि 1000 गाड़ी क्या, कम से कम 10000 गाड़ी आ जाएंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन गाड़ियों के चक्कर में कोई ऐसा सीन ना हो जाए, ऐसा सीन ना बन जाए कि कोई इमरजेंसी वाली, जैसे एम्बुलेंस वगैरह का उन्होंने एग्जांपल लिया कि भाई एम्बुलेंस अगर फंस गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी बहुत बड़ी उनके लिए, क्योंकि मीटअप तो उन्हीं का ही है। गाड़ी 1000 क्या, गाड़ी तो मतलब कम से कम भी मेरे ख्याल में उनके खुद के सर्कल में पता नहीं कितनी सारी गाड़ियां, तो कुछ कुछ पता है ना तेरे को भाई। करने को देखो 1000 गाड़ी नहीं, काफी ज्यादा भी गाड़ी हो सकती है, क्योंकि मैंने देखा पीछे से मेरे बहुत सारे भाई नोएडा में भी सपोर्ट करा, निकेत ने भी सपोर्ट करा, पीछे रैली निकाली है अपने नाम की, और भी हर जगह रैलीज और 1000 गाड़ी, मतलब सब कैसे हो जाता ना कि अपना भाई है, अपने भाई ने कह दिया एक बार कि 1000 गाड़ी का मतलब 1000 गाड़ी जाएगी तो जाएगी। और आ भी जाते, अगर मैं और बोलता ना कि भाई मुझे चाहिए, तो मुझे ये पता है कि मेरे भाईचारे में इतना दम है और मेरे भाई इतना दमखम रखते हैं कि वो 1000 गाड़ी नहीं 1 लाख एक गाड़ी भी कहता ना मैं तो भी ले आते हुए। बट
मैं ये चीज नहीं करना चाह रहा, मैंने उस टाइम मजाक में बोला था, बट अगर सीरियसली नोट पे पूछा जाए और सोचा जाए, बहुत सारी चीजें निकल के आती कि किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो, ट्रैफिक में फंस जाए और हमारी हमारे चक्कर में किसी के कुछ हो ना जाए, तो भाई वो पाप मैं अपने सर पे नहीं ढो सकता। भाई समझदार हो गया हमारा भाई तो वहां जाके बिग बॉस जाके समझदार था मैं पहले से। हाँ। तो वो पाप मैं अपने सर पे नहीं ढो सकता, अगर मेरी वजह से किसी को कुछ हो जाए तो मैं प्लीज अवॉइड करूंगा उस 1000 एक गाड़ी को, और मुझे पता मेरे भाई कुछ भी कर सकते हैं, बट सो सॉरी गाइस उस चीज के लिए, क्योंकि लोगों के लिए भी सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब उनके खुद के सर्कल की गाड़ी 1000 होंगी, बाकी तो बात ही छोड़ दो, मतलब क्यों भी बाकी बात वही है ना कि एलविश भाई ने भी सोच समझ के लिया, इसमें हमारी ही कहीं ना कहीं भलाई है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गाड़ी तो फिर आप लेके जाएंगे ही जाएंगे। 20 तारीख का अनाउंस हो चुकी है, सवेरे सोइयो मत बस, तुच्छी कल पड़ेंगे। अरे वाह भाई ने यार बिग बॉस जो था, मतलब वो होता ना कि एक यूट्यूबर ने कितनी बड़ी बात बताऊं, मैंने आज तक बिग बॉस के कोई भी सीजन नहीं देखा, सिर्फ ये भाई तो है एलविश के कारण ही मैं बिग बॉस मैंने देखना स्टार्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों भाइयों की रिस्पेक्ट है भाई, आपा दोनों के ही फैन है, कोई चक्कर नहीं है, दोनों बहुत बढ़िया काम करा, ट्रॉफी जिसकी घर में मर्जी गई लेकिन कम्युनिटी तो अपनी आई। हाँ, बस इसमें दोनों ही खुश है, दोनों भाइयों का भी प्रेम प्यार बना रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल लेट नहीं फैलाएंगे, एलविश भाई भी अपने, अभिषेक भाई भी अपने, मौज लो बस, सिस्टम चलन दे, रुकना ना दे। चल भाई गाना चला दे, फुल तेज एक गाना पूरा चला दे। अब मुझे अपना भाईचारा प्रूव करने के लिए क्या मैं मटेरियलिस्टिक चीजें करूं कि फोटो दिखानी पड़ेगी भाई लोगों को यार, तभी तसल्ली होती है लोगों को। मैंने एक बार भाईचारा इन छोटी चीजों तो में क्या हम मिलने गए नहीं गए, क्या हम समझ सकते हैं कि फुकरा भाई भी आएगा हमारे उसमें, थैंक यू अभिनंदन समारोह में, अभिनंदन समारोह में बिल्कुल इनवाइट करेंगे। वैली नाइट ड्राइव का जो मजा है ना यार, रोड खाली मिलती है, एक कांस्टेंट स्पीड पे अपा मजे से चलते, चलो मजा आ जाता है भाई बिल्कुल ही, और ऊपर से जब बातें हो रही हो एलविश भाई की तो फिर तो नजारा ही वारा न्यारा हो जाता है। तो फिलहाल के लिए बातें चल रही है, खूब बातें चल रही है, साथ में सिस्टम हैंग जरूर करेंगे भाई। सिस्टम तो हैंग हो जाएगा, मेरे को ये नहीं समझ आ रही भाई, जब एलविश नहीं था ना तो वो मीटअप देखा था जो उसके भाई लोगों ने करा था मीटअप, कितना बंदा पहुंच गया, और उसकी इंस्टाग्राम उसपे क्या कहते हैं 5 लाख बंदा, मतलब उसकी इंस्टाग्राम रील्स पे वो क्या बोलते हैं यार, लाइव आना, लाइव देख रहे थे जब एलविश नहीं था, अब है तो क्या सीन होगा, मेरे को समझ नहीं आ रही भाई। हम भी देखेंगे भाई साहब, मतलब सच बता रहा हूँ, उसको तो दूर से ही देखने का मौका मिलेगा, मानता बात को, लेकिन जाएंगे जरूर, चाहे जैसा मर्जी कुछ हो, अपना भाई जीत के आया है। और सच बता रहा हूँ एलविश को ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, अपना कॉलेज टाइम 15-16 था ना, 17 पता नहीं, 15-16-17 ऐसा कुछ था, 16-17 के करीब, जब उसकी ये रियलिटी है, जब वो फूफा बदमाश है, जब उसका डायलॉग चला करता, तब से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तब से मैं उसको देख रहा हूँ, और कईयों को मैंने सजेस्ट कर रहा है इसकी वीडियो देखा करो, मजा आता है। बट मैं आज कहाँ पहुंच गया यार, सिर्फ ये एक एलविश आर्मी से हम जुड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई हम ये वीडियो बना रहे हैं, और भाई के लिए, भाई तक ये वीडियो हमारी जरूर पहुंचा दे। बिल्कुल बिल्कुल, अगला तो बस ये कह देना इस बंदे ने मेरे लिए वीडियो बनाई है, बस जिंदगी पार है। तो बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले, अपनी मंजिल में भी खींच के ले आए थे, बस वहां चलते क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है भाई, ये काम निपटाते हैं, फिर फटाफट घर की तरफ निकलते हैं, लेट हो रहे हैं वैसे ही। चलो एक बार मैं पहुंच गया हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ दोबारा, एक बार ये काम निपटा लेते हैं फटाफट। सो द टाइम इज 9:00, और चलो 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 निकलते हैं यहाँ से। वहाँ भी क्या हाल है, और कैसा रहा तेरा? कैसा रहा? तो ठीक रहा, देखो एक्चुअली में क्या था कि ऑफिस से काम से आते, कुछ सैंपल वगैरह दिखाने थे, बाकी ऑर्डर पास भी हुआ, थोड़ा बहुत नहीं भी हुआ, वो तो चलता रहेगा यार, ऑफिस का तो क्या ही है। तो फिलहाल ये बता लेके क्या क्या आया है? बस ये एक्चुअल में क्या था कि सीधा ऑफिस से निकले, घर भी नहीं गया, गाड़ी उठाई, और ये काम जरूरी था क्योंकि ये काम कल का था और उसे आज पे टाल दिया था, और बिना कुछ खाए निकल आए थे। मैंने कहा फटाफट तू लेके रख, मैं आया बस 2 मिनट के अंदर अंदर। क्या लेके आया? बाकी हमारी जो हमने भाई ने बोली थी ना कि कुछ नहीं खाएंगे, उस बात को थोड़ा समझ गया ना। क्या नहीं खाएंगे? मतलब कि बिना खाए पिए जाएंगे और अरे वो तो परसों जाना, अभी अभी देखते क्या लेके। लेकिन तो ये क्या क्या पनिया भर के ले आया भाई? भाई एक बर्गर मंगवाया था और एक स्प्रिंग रोल लेके आया था, मुझे पता यार तुझे इनमें से कोई यहाँ पर ये अच्छी, यहाँ पर ये अच्छी चीज अच्छी मिलेगी, ये भी अच्छी ना मिले बस एटलीस्ट ये है कि चलो थोड़ा बहुत टेस्ट हो जाएगा, बाकी रोटी आगे करके ट्राई कर, खाना तो आगे ही खाएंगे फिलहाल तो, क्योंकि अभी यहाँ से लगभग 9:11 हो चुकी है और यहाँ से लगभग हमें घर पहुँचने में आधा पौना घंटा लग जाएगा, कम से कम 1 घंटा जाम भी लगा हुआ है।
जाम कहाँ लगा हुआ? जाम रास्ते में लगा हुआ। चलो देखते हैं, पहले ये निपटाते हैं, बड़ी तेज भूख लगी। क्योंकि यार तुझे पता नहीं है क्या, एलमिश आर्मी जा रही है। सही बात है, पूरा दिल्ली तक जाम हो चुका है, रोड सारे बिल्कुल ही। चल ले ले ले। तो दिखने में तो अच्छा लग रहा है यार, खाने में भी अच्छा होना चाहिए। और क्या कह रहा था तू अभी? ये बाकी ये जितनी ऑडियंस जा रही है ना, जितनी जा रही है एलमिश आर्मी वाले हैं, ये आंटी भी एलमिश आर्मी सपोर्ट करने जा रही है। आज चलेंगे तभी तो पहुंचेंगे कि नहीं, यही कहना। तभी कह रहा हूं कि भाई जो भी दिल्ली जा रहा है थोड़ा सोच समझ के जाना। एक तो गर्मी, ऊपर से एलमिश आर्मी, थोड़ा देख के करना। हाँ भाई, रोड़ा डाल देंगे, सिस्टम हिला देंगे भाई। दिल्ली हिल जाए, दिल्ली थोड़ा गुड़गांव जाना यार भाई, रास्ते तो वही है। हाँ भाई, एक ही बात, दोनों हिला देंगे। चलो इसका एंजॉयमेंट करते हैं पहले। नॉट बैड, बढ़िया यार। कहाँ से लेकर आया? सही ना यार, दोस्त उसको फोन करके मंगवाया था। यहाँ कौन सा तेरा यार? तू है सामने ना, काजू कतली बेकरी से है। अच्छा, एड्रेस थोड़ी पूछा यार, जो भी कहो जहाँ से भी लाया, बढ़िया टेस्ट अच्छा है। तो फाइनली सेकेंडरी आइटम ये है, क्या है भाई ये? अच्छा, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या होता है इसका सिंपल सा नाम है यार, स्प्रिंग रोल है। तो फिर इतनी लेट क्यों बोल रहा है? स्प्रिंग रोल है, मुंह में पानी आ रहा है, मतलब इतनी भूख लग रही है ना। ठीक है, क्रंची है, बट ना इसमें थोड़ा नमक की कमी है। बाकी हर चीज की कमी चलती है। ये चीज चलती रहेगी, सिस्टम हैंग होगा। हर चीज की कमी है, नमक की कमी। ना मूड खराब कर जाए यार, तू बर्गर एक ही लाया हाफ हाफ, बर्गर एक ही लिया। चलो रोटी खानी है ना, या फिर रोटी का मूड खराब हो जाए, रोटी खाएंगे बढ़िया से। बाकी ये तो ऐसी है, सॉस डाल के क्या पता कुछ मजा आ जाए। ये ले ले पहले तू खा, देखो ट्राई मारेगा कभी ज्यादा ही वो। नहीं है गरम कौन सिस्टम। सिस्टम ने तो पार के रख रखी है भाई, एक बात है। बाकी कौन कर देगा, तेरी एज भी उससे ज्यादा है, मेरी एज भी भाई से ज्यादा है, उसकी एज हमारे से छोटा है। वो कहां उसने ऐसी तैसी कर दी, मानने बाद में। चलो कहते हैं टैलेंट की कोई एज नहीं होती, लेकिन फिर भी भाई ने रुका तार दिया भाई साहब, अब निकलते हैं यहाँ। फाइनली खाने पीने में हमने 10 मिनट वेस्ट कर दिए और निकल चुके हैं अब घर के लिए। चलो घर के लिए निकलते हैं, लगभग 10:30 बजे घर पहुंचेंगे, और बीच में खाने का ब्रेक भी लेना है अभी, और सिस्टम पूरा तार देंगे। भाई साहब मतलब सच्चाई है यार, मजा आ गया यार, मजा आ रहा है। मतलब एक अंदर से जो खुशी है ना, वह एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा पूरी की कैसे करूं। गाने बजा रहे सिस्टम पे, सिस्टम मचा रहा छोरा, कर दे। गाने ना बजाने में अच्छे नहीं लगता, सुन अपने अकॉर्डिंग गाएगा ना वो बहुत बढ़िया। एक बार गा के दिखा दिया। मैं सिंगर हूँ यहाँ पे। तो ठीक है भाई, फाइनली हाईवे पे टच कर लिया हमने, और ये अभी तक भी लगा ही, मतलब इतने टेस्टी नहीं है। खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे मर्जी हो। मेरी मैंने ये चीज एलविस भाई से ही सीखी थी। हाय हाय। चलो तो रात में ना मैं बताऊं, ड्राइविंग करने में सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर क्या होता है, ये ट्रक जो चलते हैं ना, सिर्फ इन्हीं की दिक्कत है। अदरवाइज रात में ड्राइविंग बड़ी मजेदार होती है, मतलब कैसे मर्जी चलाओ आराम से, इन ट्रकों से वो होता है। और तेरे को एक बात और बताऊं कि पता नहीं एलविस भाई और की टीम ने, या उन्होंने क्या सोच के संडे का ही प्रोग्राम रखा, और बिल्कुल एग्जैक्ट रखा और सही रखा। वैसे तो और कभी दिन होता तो हम छुट्टी लेके जाते हैं, लेकिन संडे का प्रोग्राम रखा ना, तो मुझे क्या लगता है कि नाश हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी लेके जा रहे हैं, कभी ऐसा ना हो गाड़ी 20 किलोमीटर पीछे खड़ी है और फिर गाड़ी की टेंशन रहे, आए कहाँ खड़ी करी थी, ये है वो है। बता फाइनली अभी क्या सीन हुआ ना यार, फोन का स्पेस पता नहीं कैसे फुल हो गया। चलो तो ये है। पता क्या, लोग कहते हैं कि व्लॉगिंग करना आसान होता है, व्लॉगिंग करना सबसे कठिन काम है। बिल्कुल, अब देख रहे हो, मतलब एकदम से स्टोरेज फुल हुआ, फिर मैंने गाड़ी रोक की, मैंने कहा यार स्पेस गया कहाँ, फिर मैंने क्लियर थोड़ा बहुत करा, व्लॉग कर रहे हैं। तो मैं तेरे को बता रहा था कि भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है यार, और जहाँ तक मुझे भी पता लगा है कि सोनीपत तक मतलब काफी जाम लग चुका है। अभी इसी टाइम तीन दिन पहले, ये तो बड़ा खबरी हो रहा है भाई। तो फिलहाल के लिए निकलते हैं यार, थोड़ा सा रेस खींचते हैं, बिकॉज घर पहुंचना जल्दी, और अभी डिनर बार ही करना है। जहाँ तक लग रहा है ना, कल तक वो पानीपत तक आ जाएगा, तो फिर थोड़ा देख के हमें चलना पड़ेगा, वरना हमें हरिद्वार होके ही रूट नहीं आता। इतने लंबे प्रोग्राम ना बनावा भाई। कर रहे हैं यार, बताओ एलिश भाई जीता, सिस्टम है भाई, सिस्टम है भाई, 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 भाई।
सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा तेरे को। गार्ड एंट्री जीतता है और सबसे बड़ी बात तो यही इतिहास में आज तक कोई नहीं जीता। अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो भाई बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड एंड दिस साइड, लव यू भाई। एलविश आर्मी जिंदाबाद, एलविश आर्मी जिंदाबाद। एक मेरे बोल पे सिस्टम ही लेगा, नाच मेरी बुल बुल से पैसा मिलेगा। वो सिद्धू मूसेवाला कितों ला दिता है अपनी है। क्या बात है। फाइनली भाई अपना पुराना ढाबा और पहुंच चुके हैं टाइम से। ठीक है भाई, भगाते हुए गाड़ी टाइम सर अपने घर पहुंची है, बिकॉज टाइम सर घर आना ही था यार, लेट नाइट नहीं आना था। और ये अपना ढाबा जहाँ पर हमारे सारे के सारे बड़े बूढ़े सब मनवीजते हैं यहीं पर होता है। इस ढाबे में हमारी बहुत मेमोरी जुड़ी, पता नहीं कितना कुछ खाया हुआ यहाँ पर। और तो अभी यहाँ पहुंचे हैं, हल्का फुल्का ड्रिंक करते हैं। यहाँ पर तो ना अपना जितना भी एरिया है ना, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल सारे ही आते हैं, 50 किलोमीटर का सब आते हैं, सारे ही आते हैं। और अभी हल्का फुल्का यार वो बर्गर और वो खा लिए ना, तो पेट थोड़ा हल्का फुल्का भरा हुआ। एक एक पराठा मंगाया, उसके बाद इच्छा होगी तो देखेंगे, नहीं तो फिर निकल जाएंगे यहाँ से। और अगर मेरा कोई पानीपत वाला भाई और उनकी बहन यहाँ पर देख रहे हो तो एक बार आके आप देख ही लेना। हाँ, फैमिली के लिए अलग से कैबिन बना रखा है। वैसे यहाँ ज्यादातर आते हमारे जैसे लंडूरी है। तो भी यहाँ हमारा आ चुका हल्का फुल्का डिनर, और वो देखो वहाँ भाई लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं अपना। ओहो, एक दूसरे के पीछे तो मार दिया यार, वेस्टेज ना करे, वेस्टेज कर रहे हैं वो। ओ तेरी, ऐसे जोकर बन रहे हैं देख लो। इसको जोकर नहीं बोल सकते, ये ना एक खुशी होती है। हाँ, खुशी होती है। हमने फूड वेस्ट कर रहे हैं। अरे तू रहन दे, मैंने नहीं करी। तो ठीक है भाई, खाना पीना खा के डन हो गया। और इसको हल्का सा स्पाइसी करने को बोला था, मतलब सिस्टम मिला दिया अपना हमारा, इतनी मिर्चे डलवा दी, इतनी बहुत ज्यादा हरी मिर्चे डलवा दी पराठों में। वो भी मैं रियलिटी बताऊं, अभी हमारा ना सिस्टम बिल्कुल हिल चुका है। हमें ये नहीं समझ आ रही कि हमारा आगे क्या बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि हमें बात कहां से सिस्टम तो मचा दे बात को। तो ठीक है, बस अब यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। खाना पानी जितना था उतना डन हो चुका है। फाइनली आपको एक बात और बताऊं कि एलविश यादव को अभी अभी हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने भी जो है सम्मानित किया। और गाने ना चला भाई, कॉपीराइट आ जाएगा, क्या फायदा ब्लॉग बनाने का। तो उन्होंने भी सम्मानित किया, और मतलब क्या बात है यार, लड़के ने ना छा गया लड़का। और वो ना वो नहीं होते मोटिवेशनल। तो फाइनली भाई दोबारा से पता नहीं ये डाटा स्टोरेज का क्या चक्कर है, लेकिन उस मतलब दोनों एक दिक्कत और आ रही है, फोन में बैटरी की परसेंटेज भी कम और इसका पावर बैंक जो है वो लग नहीं रहा, और गाड़ी वाला जो चार्जर है वो गाड़ी में पड़ा नहीं है। तो फिलहाल के लिए तो अभी टोटल सिस्टम हैंग है, सिस्टम हैंग हो गया भाई साहब, हमारा ही सिस्टम हैंग हो गया। तो देखते हैं इसके फोन में वीडियो आगे की रिकॉर्ड करता हूँ, वैसे इसमें बन जाए जितनी उतनी बन जाए। तो मनोहर लाल खट्टर जी भी जो है हमारे एलविश भाई को सपोर्ट कर रहे हैं और सम्मानित किया उन्होंने। तो कैसा लग रहा है भाई तेरे को? भाई फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हम एलविश आर्मी के साथ जुड़े हुए। हाय हाय, क्या बात है, दिल पे लगी बात। तो ठीक है भाई, एलविश आर्मी, पहले स्टोरेज की प्रॉब्लम, फिर बैटरी की प्रॉब्लम, आखिर में फोन बंद ही हो गया। तो हम दोनों भाई घर आ गए आराम से, गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी, बाइक पे अपने टू व्हीलर पे अपने यहाँ पहुंच चुके हैं। भाई को अब घर ड्रॉप कर रहे हैं। शायद आपको और ये बाइक भी याद होगी, ये बाइक कौन सी है आप ये बाइक प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। प्रीवियस वीडियो में नहीं ना, आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, आने वाली एक नेक्स्ट सीरीज आने वाली है जो भाई और मैंने बनाई है, बहुत ही बढ़िया। मतलब देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। यूट्यूब पे वो किसी ने नहीं बना रखी, हम चैलेंज करते हैं, आप वो वीडियो जरूर देखना, नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग है। हाँ बिल्कुल, वो वीडियो जल्दी आएगी वो सीरीज। बाकी सिस्टम तो चल ही रहा है अपना, और 20 तारीख को एलविश आर्मी मिलते हैं फिर वहीं पर, जो भी भाई बताएंगे जगह वगैरह जो भी लोकेशन होगी वहीं मिलेंगे परसों। और ये वाला व्लॉग आ रहा है बस कल ही आ जाएगा, ये शेड्यूल हो चुका है इस टाइम। कल मॉर्निंग में देख लेना या बाकी मिलते हैं आपको किसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए टेल देन बाय 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 बाय। अब निकलते हैं घर की तरफ, लेट नाइट ज्यादा ही हो चुकी है। चले भाई, बाकी सिस्टम हैंग हो जरूर होगा अपना। सिस्टम तो हैंग हो ही गया था, फोन में बैटरी खत्म, स्टोरेज फुल, और इसके बाद खाने में मिर्च, आज सारे उल्टे काम हुए भाई। सिस्टम ही सिस्टम है, हमारा टोटली ध्यान ही सिस्टम की तरफ, आज सारा कुछ उल्टा सीधा ही हो रहा है। चलो फिर मिलते हैं, फिर हम घर से यही सोच के निकलेंगे कि सामने वाले सिस्टम हैंग करेगा, उल्टा हमारा सिस्टम। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी बढ़िया से वीडियो में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।